बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म स्त्री 2 के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी। वो स्त्री 2 के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बता दें कि फिल्म स्त्री 2 मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री की सेकंड पार्ट। बता दें कि हाल ही में एक्टर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर को लखनऊ में देखा गया। नवाबों के शहर में भूतों के बारे में बात की गई और इस कार्यक्रम के दौरान राजकुमार राव और श्रद्धा दोनों ने भूतों के बारे में बात की और बताया कि उन्हें किन चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है। वहीं इस पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। So of course, I'm okay for sure. But I would say because I've done so many horror films, and also as partners, we love watching this genre. So I think we'll throw about that fear is always there. But I would say when I was a kid, I used to be really scared of ghosts. But when I've grown up, I think I'm more scared of people than ghosts. Seems like you think they can be more dangerous than ghosts. I think ghosts are. I believe in energies. जब मैं छोटी थी, of course, मुझे लगता था कि भूत प्रेत से डरना चाहिए, लेकिन अब जब बड़ी हो गई हूँ तो एक अलग सा ही अलग से सवाल आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी यही है दुनिया में, हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं भूतों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैं मतलब ये पॉइंट असाइड एक बात आपसे कहूंगी कि जब मैं स्त्री देख रही थी, मैं स्त्री ऐसे देख रही थी और मतलब मेरा खुद का चेहरा मैं ऐसे देख रही थी क्योंकि वो बदल जाता है। तो डेफिनेटली फिल्मों में मुझे बहुत डर लगता है और असल जिंदगी में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है और पता नहीं कि कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन ये मानती हूँ कि बहुत कुछ हमारे समझ के बाहर है। वहीं अपकमिंग स्त्री 2 मूवी के स्टार कास्ट श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस लखनऊ के प्रमोशन में पहुंचे थे। इस दौरान फिल्म की स्टार कास्ट ने फिल्म से जुड़े कई किस्से बताए और वहीं राजकुमार राव ने बताया कि फिल्म में क्या कुछ खास है और कितनी कॉमेडी है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। डेफिनेटली आई थिंक इसमें उससे ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, लोगों का रिएक्शन ट्रेलर देखो यही आया कि ये पहली वाले से भी ज्यादा फनी लग रही है और है, बहुत फनी है। इसमें ऑफकोर्स वही दुनिया, जैसे मैं कहता हूँ वही दुनिया वही लोग है, आपको वही प्यार वही ईमानदारी वही सच्चाई देखने को मिलेगी। इसमें हमारे पवन भाई का एक बेहतरीन गाना है जो ऑलरेडी इतना बम्पर हिट हो रहा है सब जगह, और कॉमेडी है बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा हॉरर भी है। आई थिंक बिकॉज स्त्री को इतना प्यार मिला है लोगों से ऑलरेडी, तो हमने कोशिश की है कि उसको दुनिया को थोड़ा और आगे लेके जाए, तो हमने ऑफकोर्स वी मेड इट बिगर, वी मेड इट स्लाइटली मोर एडवेंचरस, मोर थ्रिलिंग, मोर फनियर, बट वो तो अब फिर आप लोग देखेंगे बताएंगे। अब आप स्त्री 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम बॉलीवुड की हर खबर को जानने के लिए, साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।